इसकी भौगोलिक सीमाएं काफी वृद्ध हैं, 19 ब्लॉक्स हैं यहाँ, और आबादी की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा जनपद है। जनपद हरदोई में जो जगह जगह से फोर्स का आवागमन हुआ था, उनको यहाँ बुलाकर उनकी इलेक्शन ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि उनको बताया गया है कि इलेक्शन के दिन और उससे पहले किस प्रकार का उनका कंडक्ट होना चाहिए और इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए। यहाँ हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ये ब्रीफिंग की गई है। बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, सभी लोगों से उनकी भी स्थिति पूछी गई और उनको बताया गया उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और उनको सख्त रूप से हिदायत किया गया कि वो तो कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरे तरीके से पालन करें, और साथ ही एक निष्पक्ष चुनाव जनपद में कराने के लिए संकल्पबद्ध हों, और हम लोग इंश्योर करें कि जनपद में इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे और इलेक्शन हमारा बहुत पीसफुली हो। जहाँ तक अतिसंवेदनशील प्लस केंद्रों की संख्या है तो वो 168 है। हमारे जनपद में लगभग 1836 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर हमारी पुलिस ड्यूटी अच्छे से डिप्लॉय कर दी गई है। बहुत सारे क्लस्टर मोबाइल हमने बनाए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हमने लगाए हैं, पिकेट ड्यूटी लगाई है, तो ओवरऑल एक अच्छा चुनाव हम लोग कराएंगे, और यही हमने आज यहाँ कटिबद्ध तरीके से यहाँ संकल्प किया है। सर, कोविड का समय, ऐसे में सबकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किया? देखिए, आप